नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आपसी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम किसान खतौनी खसरा अपलोड प्रोसेस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपसी को पता है, पीएम किसान के भीतर अगर आपने किसान वाली जो किस्तें आती हैं 2-2 हज़ार रुपये की, उनके लिए अप्लाई किया है, लेकिन उसके भीतर आपको जो है आपका लैंड रिकॉर्ड नहीं फॉर्म बता रहा है, या फिर आपसे बता रहा है कि आपकी खतौनी गलत है, आपका खेत का जो भी नंबर है, खेत की डिटेल पीडीएफ वगैरह अपलोड करनी है। तो दोस्तों, जो लैंड रिकॉर्ड की कॉपी होती है, यानी कि खसरा खतौनी का जो नंबर होता है, आपका लैंड रिकॉर्ड का डिटेल होता है, वो आप जो है डिटेल्स कैसे पीएम किसान पोर्टल पर मेंशन करोगे, कैसे उसकी पीडीएफ या डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, किस तरीके से आप वो वाला एरर फिक्स करोगे, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल्स बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पर हमें ज्वाइन नहीं किया, जरूर करिएगा, यहाँ से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पीएम किसान की डिटेल में आपका लैंड रिकॉर्ड यानी कि खतौनी की कॉपी अपलोड करने के लिए सिंपली से आपको आ जाना है पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लिंक दे दूंगा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे पीएम किसान से रिलेटेड बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि EKYC, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स, SC फार्मर्स, और यहाँ पर अपडेशन ऑफ सेल्फ फार्मर्स और नो योर स्टेटस। तो यहाँ पर अभी हमें अपडेट करना है, अपडेशन वाले पे क्लिक करेंगे, और अपडेशन वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली से आपको अपना आधार नंबर डालना है, और उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल के सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज आएगा, जहाँ पे आपके फार्मर का मोबाइल नंबर रहेगा। फिर कैप्चा कोड डाल के आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। अगेन से आपके जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड OTP आएगा, और वो OTP डालने के बाद कैप्चा कोड डालना है, और कंसेंट देने के बाद सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन इस वाले पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका जो फार्मर का है डिटेल, वो एडिट होके आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपने किसान की डिटेल्स जो भी आपकी भरी हुई हैं उनके अलावा जो डिटेल्स हैं, जैसे कि सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि तहसील, ब्लॉक, विलेज हो गया, वो सारा सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है। वो सारा सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद उसकी कैंडिडेट की कैटेगरी जनरल है, SC, OBC है, स्मॉल फार्मर है, आधार नंबर और उसका जो डिटेल एड्रेस वगैरह है, उसके बाद लैंड रजिस्ट्रेशन ID अगर आपकी नहीं पड़ी हुई तो वो डालनी है। ये वाली ID आपको खतौनी से मिल जाएगी, और उसके बाद आपको राशन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा सब कुछ डाल देना है। एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन, वो सारा सब कुछ स्टेटस लिख देना है। और अगर जैसे कि पहले आप खतौनी अपलोड कर चुके हैं, अप्रूव नहीं हुई है, तो उसकी जो डिटेल्स वहाँ पर दिखेंगी, उसके आगे देखो आपको एक एक्शन वाला बटन दिया रहेगा। अब यहाँ पर जो है आपको एक्शन वाला बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको जो डिटेल्स आपने खतौनी की एंटर करी थी उनको चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से नई डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। तो अभी मैं एडिट पे क्लिक किए दे रहा हूँ, और जैसे एडिट पे क्लिक करोगे तो नीचे देखो आपका खाता नंबर, सर्वे, गाटा संख्या, खसरा संख्या, एरिया कितना एकड़ में है, और अगर विरासत हुई है वो उसकी डेट, ये सारा सब कुछ वहाँ पर भरने के लिए आ जाएगा। और ये डिटेल्स आपकी जो भी हैं, अगर पहले से आपने डाल रखी हैं तो उनको करेक्शन करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है, और डिटेल्स भरने के बाद आपको संबंधित जो ऑप्शन दिए गए हैं वो वाले पे टिक करके अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे अपडेट पे क्लिक करोगे, आपकी जो भी नई डिटेल आपने डाली है वो अपडेट हो जाएगी। अब आपको लैंड रिकॉर्ड की कॉपी जो लगभग 200 KB से कम में रिसाइज करनी है, वो वाली फाइल को रिसाइज करके, रिनेम करके, अब आपको इस पोर्टल पे अगेन से अपलोड कर देनी है। तो मैंने जैसे यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट कर लिया और सेव पे क्लिक कर दिया, इसी तरीके से आपको भी वहाँ पे फाइल आपकी PDF सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। तो देखो, रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, ID वहाँ पे आ जाएगी कि आपकी ID पे ये जो है डिटेल अपडेट हो गई है। तो इस तरीके से आप पीएम किसान के अपने पोर्टल पर अपडेशन का काम कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।